हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका एक बार फिर से मॉडर्न विलेज लाइफ में। आज बनाएंगे बहुत ही खास्ता मिनी लिट्टी और साथ में गीला चोखा। लिट्टी को पैन में बनाएंगे। इसका नाम इस तरह से क्यों रखा है आपको आगे बताते जाएंगे। तो बहुत ही खास्ता बनकर तैयार हुआ था, तो काफ़ी तारीफें भी हुई। इसके लिए सबसे पहले चोखा तैयार करना है। आलू है, टमाटर, प्याज और बैंगन है। तो एक पैन में सरसों का तेल लिया है, साथ में सरसों दाने बघार के लिए डाल दिया है। कड़क जाए तो डाल देते हैं आलू, प्याज, बैंगन को भी दो टुकड़ों में काट कर छील लिया है और टमाटर को। तो सब्जियों में थोड़ा पानी तो निकलेगा ही। एक बार सब्जी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसे मीडियम और मीडियम टू लो फ्लेम में करीब 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। सब्जियों के पानी से ही ये पक जाएगा, ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं हुई। करीब 10 मिनट बाद हमने खोला, अच्छी तरह से सब्जी पक चुके हैं और अभी भी थोड़ा टमाटर का पानी है। तो इसे ड्राई नहीं करना है, इसी तरह से गैस को बंद कर देते हैं और दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया है। ये है अदरक लहसुन, हरी मिर्च और हरा धनिया। प्याज को हमने एक मिक्सी के जार में डालकर चला लिया है, तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश हो चुका है और इसे ही डालकर चोखा को तैयार करेंगे। स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये लकड़ी का कूटने वाला है तो उसी से मिक्स करना है। उसी से मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। जब मिक्स हो गया है तो डालते हैं थोड़ा काला नमक। काला नमक से भी बहुत अच्छा स्वाद आता है और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो चोखा बनकर तैयार है। बिल्कुल ये थोड़ा गीला है, जो नॉर्मल चोखा रहता है उससे गीला है। इससे लिट्टी खाने में आसानी होती है। आटा लगा लेते हैं, 1/2 kg आटा है। स्वाद अनुसार नमक डाला है, 1 टेबल स्पून भर करके घी डाला है और अजवाइन 1/4 टीस्पून है। साथ में कलौंजी भी 1/4 टीस्पून डालेंगे। कसूरी मेथी पत्ता है, यह ऑप्शनल है, डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करके बिल्कुल मुलायम आटा गूंद लिया है। रोटी बनाते हैं उससे भी मुलायम गूंदना है। चलिए दूसरी तरफ सत्तू को भी मिक्स कर लेते हैं। 200 ग्राम सत्तू है, तो 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी है और ये भी अदरक लहसुन हरी मिर्च को क्रश करके डाला है। साथ में एक नींबू का रस और अब डालते हैं एक प्याज को क्रश करके। मिक्सी में चला लिया है तो इसमें थोड़ा पानी भी निकल चुका है, लेकिन सत्तू के लिए अच्छा ही है। और अब अचार का ये तेल है, थोड़ा अचार का मसाला और अचार भी डालिए। आम का अचार रहे तो अच्छा है, हमने आंवले का डाला है। नमक स्वाद अनुसार, अचार में नमक है तो थोड़ा नमक कम ही डाला है। और अब अच्छी तरह से सभी को मिक्स कर लेते हैं। धनिया पत्ता भूल गई थी तो अब डाल करके इसे मिक्स कर दिया है। 10 मिनट ढककर ये छोड़ा था तो काफ़ी मॉइस्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छा मसाला बनकर तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं लिट्टी बनाना, मिनी लिट्टी बनाना। तो बिल्कुल छोटा बॉल लेंगे आटे का इस तरह से, और उसे इस तरह से हाथों से फैला लिया है और अब सत्तू को डाल करके इस तरह से दबा करके भरना है। करीब 2 टेबल स्पून आप इसमें भर सकते हैं, दबा दबा करके भर लीजिए, आराम से भर जाता है। और चारों तरफ से इस तरह से आटे को दबा दीजिए तो बन गया लिट्टी, मिनी लिट्टी। इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब पकने के लिए डालते हैं। एक पैन में घी डाला है, फैला लिया है और सारे लिट्टी को आप इस तरह से रख दें। पैन एक बार गर्म हो जाए तो फिर मीडियम फ्लेम में ही इसे रखें। और करीब 4 मिनट हो चुके हैं तो टर्न कर लेते हैं। सारे लिट्टी अभी से ही फूल चुके हैं थोड़े थोड़े। शुरू में इसे टर्न करने में थोड़ी सावधानी लेनी होगी वरना टूट सकता है। तो
सारे को टर्न कर लिया है, करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं अभी। और अब डाल देते हैं थोड़ा बटर, बीच बीच में डालते रहेंगे बटर को, क्योंकि उसी से इसे सिकना है और बटर से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। चलिए, जिस तरफ सिकना बाकी है आप उस तरफ से लिट्टी को टर्न करके रख सकते हैं, तो उससे ये सिकता जाएगा। करीब 8 से 9 मिनट हो चुका है, थोड़ा और पकाएंगे। बिल्कुल भी ढकना नहीं है और इसे इसी तरह से चलाते हुए पूरा पकाकर तैयार करना है। करीब 13-14 मिनट हो गए हैं और लगभग ये पककर तैयार है। ये इतना स्वादिष्ट बना था कि समोसा और कचौड़ी भी आप छोड़कर इसे ही बनाएंगे। और तैयार है पूरी तरह से, गर्मा गर्म ही इसे सर्व कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए, निकाल लिया है और अब डालते हैं चोखा को। तो मिनी लिट्टी रहने का ये फायदा है, आप तोड़ करके 1 से 2 बार में ही एक लिट्टी खत्म हो जाता है। बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। साथ में धनिया की चटनी हमने बनाया था तो उसे भी रख दिया है। और आपको तोड़ करके दिखाते हैं ये कितना खास्ता भी बना है और ये इतना स्वादिष्ट है। आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तभी आपको पता चलेगा। और बहुत ही गर्म है, सिर्फ दबाने से ही टूट गया। लोगों ने बहुत तारीफ की, जिसने भी खाया तारीफ की। तो ट्राई कीजिएगा, आपको रेसिपी पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा, एंजॉय कीजिए।